नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, ऐसी हम 11 पहचान आपको बताएंगे जो आपके झूठे प्यार में, झूठे प्रेम में दिखाई देंगी। ये 11 लक्षण वो हैं जो आपके झूठे प्यार को साबित कर देंगी। मित्रों, प्यार करना, मोहब्बत करना, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम तो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन आजकल प्रेम इतना करना चाहिए ना गुड़ से मीठे रहे और ना नीम से कड़वे रहे। संबंध अच्छे बनाकर रखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो और किसी की आलोचना का आप शिकार ही मत बनो। लेकिन जो मेन टॉपिक पर मैं अब आ रहा हूं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि आजकल के जो नौजवान साथी है, हमारे भाई बहन है, हमारे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, जो बाहर पढ़ते हैं या घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, तो आजकल हवा लगने में देर नहीं लगती है, क्योंकि ये जो जवानी होती है इसमें हर किसी को हवा लगती है। लेकिन हवा लगने से पहले आप सचेत रहना कि आप जिस हवा के चक्कर में पड़ रहे हैं, जिस हवा को आप यूज करने वाले हैं, जिस हवा से आप जुड़ने वाले हैं, वो हवा शुद्ध है या अशुद्ध है। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आप किसी से दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां ये देख लेना कि अगला वाला व्यक्ति का चरित्र व्यवहार कैसा है, ईमानदार है या ये हमारे सच्चे प्रेम के काबिल है या नहीं है। क्योंकि जीवन में इज्जत एक बार आती है और एक बार जब इज्जत चली जाती है तो फिर वापस लौट कर नहीं आती है। जब किसी से कोई भी व्यक्ति दिल लगा बैठता है और वहां उसको धोखा मिल जाता है, तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जीवन ही नरक बन जाता है, उसकी जिंदगी एक नासूर बन जाती है। क्योंकि आजकल प्रेम के नाम पर आदमी मतलब ही बन चुका है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने कई वीडियो पहले प्रेम के ऊपर बनाई है, लेकिन मैं नौजवान साथियों की आंखें खोलना चाहता हूं जो झूठे प्रेम के चक्कर में धोखा खा जाते हैं, विश्वासघात खाते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और उनका जीवन नरक बन जाता है। वो एक तो अपना जीवन खराब कर लेते हैं, दूसरा माता पिता के दिल को आघात पहुंचाते हैं, उनका मन दुखित करते हैं और जो परिवार की इज्जत होती है उस पर दाग लगा देते हैं और सभी की नजरों में गिर जाते हैं और खुद की नजरों में भी एक बोझ बन जाते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको सत्य और सटीक जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि जो बहन बेटी किसी आवारा लड़के के चक्कर में फंसकर अपनी इज्जत को गवा देती है, अपनी इज्जत पर दाग लगा लेती है, तो उस लड़की की इज्जत क्या रह जाती है? एक दगीले फटे पुराने कपड़े की तरह, एक टूटे एक झूठे बर्तन की तरह, एक उजड़े चमन की तरह उसका जीवन इस तरीका से हो जाता है। उसे खुद शर्म आने लगती है कि मेरे साथ क्या हो गया, बाद में पछतावा होता है। जितने भी नौजवान साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, यदि वो ये चाहते हैं कि हम अपना जीवन सुखी बनाए रखें और हमें अपना सच्चा प्रेम मिले और हम सच्चे प्रेम के साथ जीना चाहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सच्चे प्रेम की पहचान करनी है। ये देखना है कि आपका प्रेम सच्चा है या झूठा है। यदि सच्चे प्रेम की निशानियां तो मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, और सच्चा प्रेम किस किस राशियों को मिलता है, किन किन राशियों को धोखा मिलता है वो भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूं झूठे प्रेम की 11 ऐसी कौन सी पहचान है, 11 ऐसी कौन सी निशानियां हैं, 11 ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें आप जानकर पहचान कर अपने प्यार को समझ सकते हैं कि ये प्यार झूठा है, धोखेबाज है, विश्वासघाती है, बर्बाद करने वाला है। तो वो 11 निशानियां कौन कौन सी है, इन पर हम प्रकाश डालते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। यदि आप जीवन में अपनी राशि के बारे में सत्य राशि फल प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन से जुड़ी हुई हर सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और 101 सत्य भविष्यवाणी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है पंडित राजगुरु शर्मा। पंडित राजगुरु शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपको सदाबहार सत्य वीडियो मिलेंगे जो आपसे जीवन से हमेशा जुड़ी रहेंगी। इसलिए आप देर ना करें, तुरंत अभी इसी वक्त हमारे
दूसरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष का है पंडित राजगुरु शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो है ज्यादा से ज्यादा, जितने भी देखेंगे उनको लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो साथियों मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी झूठे प्यार की सत्य, सटीक और 11 लक्षण हैं जिन्हें हम जानकर पहचान कर अपने झूठे प्यार की पहचान कर सकते हैं। तो आइए मित्रों अब बात करते हैं। सबसे पहले झूठे प्यार की निशानी यह है, जो व्यक्ति आपसे हमेशा दूर रहता है, आपको ज्यादा समय नहीं देता है और वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो समझ लेना कि आपका झूठा प्यार है, सिर्फ वो मतलबी है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो आपसे संबंध बनाए हुए है। नंबर दो, वो जब भी आपसे बात करेगा झूठ का सहारा लेगा और यदि आप उसके बारे में हमेशा जानकारी करेंगे पूछेंगे, वो आपसे हमेशा झूठ बोलेगा, सत्य जानकारी आपको नहीं देगा। वो हमेशा झूठ का सहारा लेकर अपना बचाव करेगा, जिससे आप महसूस करते हैं, आपकी आत्मा खुद इस बात को पहचान कर लेगी कि हां ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आप एक बार माफ करना, दो बार करना, तीसरी बार उस व्यक्ति को माफ मत करना, उससे उसका तुरंत साथ छोड़ देना, उस पर कभी भरोसा मत करना, यह भी झूठे प्यार की दूसरी निशानी है। तीसरा झूठे प्यार का लक्षण यह है कि वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा और आपका हमेशा दिल दुखाने का प्रयास करता रहेगा। नंबर चार, वो कभी भी आपके सुख या दुख में कभी भी शामिल नहीं होगा, ना आपका साथ देगा, हमेशा वो आपको बहकाता रहेगा, आपकी आंखों में हमेशा आंसू देगा और वो आपको तड़पाता रहेगा और रुलाता रहेगा। ये भी एक झूठे प्यार की एक खास निशानी है। नंबर पांच, झूठे प्यार की निशानी ये है, वो आपको दूर से बहकाता रहेगा, यदि आप उसे बुलाएंगे मेरे पास आइए या मेरा ये कार्य करिए, मुझे कहीं जाना है, तो वो आपको कोई ना कोई बहाना बताएगा, हमेशा उसका फोन ज्यादातर व्यस्त रहेगा, आपसे बात कम करेगा और कहीं और ज्यादा बिजी रहेगा। यानी ऐसे व्यक्ति कहीं और भी फंसे रहते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है या हमारी पत्नी गलत है, मतलब बहुत सारे ऐसे बहाने बताकर बताता है कि मेरे घर में कलेश हो रहा है, फलाना हो रहा है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें करके आपको गुमराह करता रहेगा। तो ये भी झूठे प्यार की खास निशानी है। नंबर छह, झूठे प्यार की ये निशानी है कि वो व्यक्ति आपके अंदर कमियां निकालेगा, आपकी गलती बताएगा, गलती के ऊपर बहस करेगा, आप पे शक करेगा, आपके व्यवहार चरित्र पर उंगली उठाएगा और वो किसी ना किसी बहाने से आपको झुकाने का, आपको दबाने का, आपको बदनाम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो अपनी कमी नहीं निकालने देगा, अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देगा, इसलिए वो टेढ़ी उंगली से आपको दबाने का प्रयास करता रहेगा। आप समझदार हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं, ये भी एक झूठे प्यार की खास निशानी है। नंबर सात, वो हमेशा अपनी परेशानी को आपसे बताएगा, आपसे अपनी परेशानी का हल निकलवा लेगा, लेकिन जब आपको परेशानी होगी, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, जब आपको उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, चाहे धन की हो या फिर मान सम्मान की हो या फिर साथ निभाने की हो, तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर आपसे पीछा छुड़ा लेगा। ये भी एक झूठे प्यार की खास निशानी है। नंबर आठ, जो आपको बात बात पर नखरे दिखाएगा, रूस कर मटक कर बैठ जाएगा और आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगा, आप उसे बार बार मनाते रहेंगे, आप उसके लिए रोते रहेंगे, उसको समझाते रहेंगे, लेकिन वो रोज रोज आपको किसी न किसी बात को लेकर नखरा दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा और बार बार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी राह पर धोखा देने का प्रयास करता है या धोखा दे जाता है, झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। तो ये लक्षण भी झूठे प्यार की निशानी है। नंबर नौ, जो व्यक्ति कभी भी आपके हाल चाल ना पूछता हो, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, नौकरी में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी भी ख्याल ना रखता हो, आपकी मन की इच्छाओं को ना पूछता हो, आपकी इच्छा क्या है ना समझता हो, आपको क्या चीज चाहिए, आपको कहाँ ले जाना है, आपके साथ क्या करना है, आपकी खुशी क्या है, आपकी पसंद क्या है, यदि वो नहीं पहचानता है, इन पे ध्यान नहीं देता है, तो समझ लेना कि वो भी एक झूठा प्यार है। नंबर दस, जो व्यक्ति आपसे झूठ बोलकर बार बार अपना दुख बताता है, ड्रामा करता है, आपसे पैसे लेता है,
आज इस बहाने से, कल किसी और बहाने से। कभी कभी ऐसा भी होता है वो व्यक्ति आपके सामने कोई शर्त रख देता है, यदि आप इस कार्य को करे तो मैं तेरे साथ प्यार करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ शादी करूंगा, तेरे साथ जीवन गुजारूंगा। यदि आपने उसकी वो शर्त मान ली तो कुछ दिन गाड़ी फिर चलेगी, वो अपना कार्य निकाल देगा। यदि फिर वो व्यक्ति आपके सामने दूसरी शर्त रखेगा, जो प्यार में बार बार आपके सामने अपने फायदे के लिए शर्त रखता हो और आपके सच्चे प्यार का मजाक उड़ाता हो, हंसी उड़ाता हो, उसको ना समझता हो और आपके सच्चे प्यार का कुछ और ही मतलब निकालता हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता हो, तो समझ लेना कि वो प्यार भी आपका झूठा है। नंबर 11 झूठे प्यार की ये निशानी है, जो आपका बार बार मान घटाता हो, आपको बार बार ताने मारता हो। ताने मारने का मतलब है या तो आप थोड़े रंग में काले हो, लंबाई में छोटे हो, गरीब हो, या फिर आपके लिए उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए हो, कुछ गिफ्ट दे दिया हो, या आपके सुख दुख में कभी कभार काम आ गया हो, तो उस बात को लेकर यदि आपको ताना मारता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं अमीर हूं, मैं तेरे काम आता हूं, तू मेरे सामने क्या चीज है, ऐसे अच्छे बुरे ताने यदि आपको मारता है तो वो प्यार भी झूठा है। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये 11 लक्षण झूठे प्यार के हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो बिल्कुल सत्य और सटीक है। जो आपके प्यार में इनमें से कोई सा भी लक्षण नहीं आया, ये 11 के 11 लक्षण आपके प्यार में दिखाई देते हैं, तो समझ लेना कि वो प्यार आपका झूठा है, बकवास है, धोखा है, विश्वासघात है। क्योंकि उस प्यार में आप एक दिन जरूर धोखा खाएंगे और अपनी जिंदगी भर की खुशियों को, अपने जीवन की हर खुशी को, अपने परिवार के सम्मान को, अपनी खुद की इज्जत को धोखा खाने के बाद अपनी जिंदगी को नासूर बना सकते हैं, एक उजड़ा चमन बना सकते हैं, झूठे बर्तन की तरह स्थिति बना सकते हैं, फटे पुराने दगीले कपड़ों की तरह अपना जीवन बना सकते हैं। थोड़ा कहना और ज्यादा समझना आपके लिए हितकर रहेगा, लाभकारी रहेगा। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी या ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो अगला वाला हमारा लव पार्टनर है वो अपनी जगह सही है या गलत है, हमारा प्यार झूठा है या सच्चा है, ये हमारे साथ जीवन में साथ देगा या नहीं देगा, इसके साथ मेरा जीवन कैसा रहेगा, इससे मेरी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इससे मेरे संबंध कैसे रहेंगे, ये समस्त जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसकी उचित फीस पहले जमा की जाती है। साथियों, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।